सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। सो दोस्तों, आज हूँ मैं अपने ही बैजनाथ में और आज मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ एक जगह में जो है यहाँ पे कांगड़ा का जैसे फेमस। और सो मैं हूँ इस टाइम पे बैजनाथ के टी स्टेट में और यहाँ पे आज मैं आपको रूबरू करवाऊँगा और जो पुराना कम से कम 250 साल पुराना यहाँ पे टी स्टेट है और एक फार्म हाउस है जो राजा थे, राजा जोधमल, तो उनका यहाँ पे फार्म हाउस है। वो देखते हैं आगे जाके किस तरह का है। और रास्ता ये रहा महज मेन बैजनाथ से, ये है 2-3 किलोमीटर की दूरी में, अंदर जाके 2 किलोमीटर लगभग। सो ये जो आपको खूबसूरत सा रास्ता दिख रहा है, दोनों तरफ है चाय का बगीचा, ये बहुत बड़ा बगीचा है। और अभी आपको लेके जा रहा हूँ द टी स्टेट, जो राजा का वहाँ पे फार्म हाउस है एक, और वो दिखाएंगे आपको हम थोड़ी देर में। खूबसूरत से चाय के बगीचे हैं यहाँ पे। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये जाता है टी स्टेट के लिए, तो वही दिखाऊंगा। कम से कम 250 साल पुराना था मंदिर और ये शायद गलगल का पेड़ ही है ना। ये था, ये कम से कम कितनी पुरानी होगी, 100-150? ज्यादा भाई, ज्यादा 200-300 भी हो सकती है। उससे पहले इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था यहाँ पे। अच्छा, नीचे मंदिर है, शंकर मंदिर, ठीक है। और ये सारी पूरा ये है लीची की, ये लीची है ना, लीची अमरूद है। फ्रूट यहाँ पे आपको कोई 15 किस्म का मिलेगा। अच्छा, इतनी सराउंडिंग में ये पूरा। और ये वाला एक पोर्शन क्या था, ये लकड़ी का पूरा। अच्छा, ये अच्छा गेस्ट के लिए, तो ये गेस्ट हाउस हो गया, ये पर्सनल रेजिडेंट हो गया इनका। और वो आम के पेड़ देख के लग रहा है कि कम से कम 200 साल पुराना तो है ही है ये 200। तो अभी दिखा रहे हैं आपको किचन वाली तरफ। प्रॉपर वुडन वर्क। चाय स्टेट, तो ये किसका था, राजा राय बहादुर जोधामल। राजा राय बहादुर जोधामल जो मूम के थे, ये राजस्थान के थे, ये राजस्थान के थे। अच्छा, इस तरह से व्यू ठीक है। अंकित सूद यहाँ पे सबसे खास चीज ये है कि टू फेसिंग है इसकी।